Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दया को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोफिटिक जो प्लांट होते हैं उनमें अडेप्टेशन के बारे में। तो अडेप्टेशन का जैसे कि मीनिंग आपको मैंने पहले भी बताया, अडेप्टेशन का मीनिंग ऐसे फीचर्स से होता है जो प्लांट को अपने हैबिटाट में होने वाले जो चेंजेज हैं उसके अगेंस्ट में सर्वाइवल के लिए क्या करता है, एलिजिबल करता है या सर्वाइव करने के लिए लायक बनाता है। तो इस तरह के जो प्लांट के अंदर कुछ इस तरह के क्या होंगे, चेंजेज होंगे जो कि प्लांट को उस जो हैबिटाट है उसमें जो चेंजेज हुए हैं उसके अगेंस्ट में जो है सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, तो इन्हें अडेप्टेशंस कहा जाता है। अब जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं उनमें अडेप्टेशंस को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन का मीनिंग जो होता है वो होता है ऐसे अडेप्टेशन से जो कि बाहरी तौर पे आपको देखने पे दिख जाएंगे, ठीक है, जैसे कि रूट में क्या चेंजेस हुए हैं, लीफ में क्या चेंजेस हुए हैं, स्टेम में क्या चेंजेस हुए हैं, बट ये बाहरी तौर पे आपको दिखाई देते हैं। इस तरह के अडेप्टेशन को हम मॉर्फोलॉजी के अंदर डिवाइड कंसिडर करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं एनाटोमिकल अडेप्टेशन। एनाटोमिकल अडेप्टेशन जो होते हैं उसका मीनिंग है कि जब हम प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर में जो मॉडिफिकेशन हुए हैं उन्हें उनके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे। इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, आपको जैसे कि डिसेक्शन वगैरह जो है, डाइसेक्शन वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद में जो है आप देख सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में फिजियोलॉजिकल, जो कि क्या होती है प्लांट के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें चेंजेज होते हैं, उस तरह के अडेप्टेशन को हम फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर स्टडी करते हैं। तो आइए हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एडेप्टेशन के अंदर मॉर्फोलॉजी, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। अब देखिए मॉर्फोलॉजी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें रूट, लीफ एंड जो स्टेम पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए सबसे पहले कि आपको हाइड्रोफाइट के बारे में 3 हाइड्रोफाइट पता थे, सबमर्ज्ड जल में पूरी तरीके से होते हैं, फ्लोटिंग पता है और एम्फीबियस पता है। आप देखिए आपको इसके अकॉर्डिंग ही सोचना है। रूट जो है, अगर रूट की बात करें तो रूट जो है प्लांट में क्या काम आती है, प्लांट को फिक्स करने में, मतलब उसको सहारा देती है, फिक्स करती है उसके जो आधार होता है उसके अंदर। दूसरा जो रूट होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना, वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करती है एंड ये जो वर्क होते हैं। तो जो नॉर्मल जो प्लांट देखते हैं हम, जो जीरोफिटिक प्लांट है या जो मेजोफाइट होते हैं उनमें जो होता है रूट ही मेनली एब्जॉर्ब करती है, बाकी अपर पार्ट जो है वाटर एब्जॉर्ब में इतना पार्टिसिपेट नहीं करता है। बट हाइड्रोफाइट में क्या होता है, हाइड्रोफाइट में जैसे कि आपको पता है कि पानी ही पानी है चारों तरफ, तो पानी की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के अडेप्टेशन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पानी जो है चारों तरफ है, तो ऐसे केस में आपको जो रूट जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट में हम क्या देखते हैं कि वाटर होता नहीं, तो ऐसे केस में रूट जो होती है वो नीचे तक चली जाती है काफ़ी गहराई तक, और काफ़ी जड़ें जो होती है काफ़ी मतलब विस्तारित होती है, काफ़ी मतलब काफ़ी गहराई तक चली जाती है। बट यहाँ तो पानी पास में ही, आस पास ये पूरा पानी में ही ये प्लांट, तो ऐसे केस में रूट के इतनी डेवलप होने की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से जो इनकी जो रूट होती है वो कैसी होती है, पुअरली डेवलप्ड होती है, रिड्यूस हो सकते हैं या एब्सेंट हो सकते हैं, ये कंडीशन जो है रूट के केस में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसा कि आपको समझ में आ गया। ये केस जो होता है थोड़ा सा अलग हो जाता है, जैसे कि किस में आपको रिड्यूस मिलेगी, किसी में आपको पुअरली डेवलप्ड मिलेगी, वो केस कब होगा, जब प्लांट जब है कि सम फ्री है, पानी में तैर ही रहा है, तो उसे रूट वैसे ही नहीं डेवलप होगी, उसमें रिड्यूस्ड फॉर्म में होगी, एब्सेंट भी हो सकती है। बट अगर फिक्स्ड है, रूटेड है, जैसे कि मैंने आपको हाइड्रोफाइट में बताया था कि अगर हाइड्रोफाइट जो है वो रूटेड है, मतलब जो मड है उसके अंदर फिक्स है, तो वहाँ तो रूट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि फिक्स करना है प्लांट को, तो वहाँ पर रूट जो है वो फ्री के कंपैरिजन में अच्छी डेवलप होगी। समझ में आ गया आपको मेरा पॉइंट। इसी तरीके से एम्फीबियस प्लांट है, उनमें प्लांट एरियल पार्ट रहता है, तो उसमें भी रूट जो है इन दोनों के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छी डेवलप होगी, ठीक है। बट हाँ, मेजोफाइट प्लांट के कंपेरिजन में बहुत कम होते, तो इसीलिए इनकी जो रूट जो होती है वो कैसी होती है, पुअरली डेवलप्ड, रिड्यूस्ड और एब्सेंट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट रूट हेयर। रूट हेयर की वैसे ही रिक्वायरमेंट नहीं कि वाटर जो है वो इजीली मिल जाएगा, इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाइड्रोफाइट के केस में एक फैक्ट और ये है आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इनमें जो वाटर जो होता है वो कंप्लीट सरफेस से ही एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, सिर्फ रूट ही नहीं है जो वाटर एब्जॉर्ब करती है हाइड्रोफाइट के अंदर, प्लांट की पूरी सरफेस ही जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करने में लगी रहती है। तो ऐसे केस में जो एपिडर्मिस होती है वो भी प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम नहीं करके एब्जॉर्बिंग लेयर के रूप में काम करती है हाइड्रोफाइट्स में,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोफाइट के अंदर जो वाटर जो होता है वो कंप्लीट सरफेस से ही क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो इस केस में रूट का इतना कोई ज़्यादा नहीं है कि भाई रूट होगी तो ही काम चलेगा, पूरी वाटर पूरी सर्फ प्लांट सरफेस से ही वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो सेकंड पॉइंट अपना है कि इंटायर प्लांट सरफेस कैन एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रूट कैप का। जो रूट कैप होती है, नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उनमें हमने देखा कि रूट कैप होती है। रूट कैप क्या काम करती है, जो रूट का जो टिप होता है, अपेक्स पार्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का। यहाँ पर इस तरह का जो है रूट कैप स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसकी जगह जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो यहाँ पर क्या होगी, रूट पॉकेट। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, जूसिया रेपेंस। ठीक है, जूसिया रेपेंस में दो तरह की रूट होती है, फोटो में देखिए आप। एक तो होती है स्पंजी रूट, जो कि आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगी, और बाकी जो एडवेंटियस रूट होती है वो नीचे की तरफ वाटर के अंदर सरफेस में होती है। तो ये जो प्लांट है जूसिया रेपेंस, उस यहाँ पर जो रूट है वो किस में हेल्प करेगी, यहाँ पर प्लांट की यहाँ पर दो तरह की रूट होगी, एक तो फ्लोटिंग रूट है एंड एक एडवेंटियस रूट है। तो फ्लोटिंग जो रूट जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ प्लांट में, इस तरीके से लगी हुई है ऊपर की तरफ निकली हुई, जो कि मोटी है, स्पंजी है, उन्हें फ्लोटिंग रूट कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पंजी रूट जो होती है प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करती है। तो स्पंजी रूट के बारे में आपको तीन फैक्ट यहाँ पर ये ध्यान रखने हैं। फैक्ट एक तो क्या है, ये स्पंजी होती है, ठीक है। सेकेंड, नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, मतलब जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटेशन फोर्स में नीचे जाना चाहिए था रूट का, बट ये क्या है, ऊपर ग्रो करती है। तो स्पंजी है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड हेल्प इन फ्लोटिंग, ठीक है। तो जूसिया रेपेंस के अंदर अगर आपको कोई पूछे तो कौन सी रूट जो होती है उनको जो है फ्लोट करने में हेल्प करती है, स्पंजी रूट, ओके, जो कि व्हाइट कलर की आपको ऊपर दिखाई देगी। तो स्पंजी रूट होती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक है एंड हेल्प इन फ्लोटिंग। बाकी जो नीचे की तरफ दिखाई दे रही है वो एडवेंटियस रूट्स हैं, जो कि नॉर्मल एब्जॉर्प्शन का ही काम करती है, ठीक है। तो ये थे कुछ रूट के अंदर मॉडिफिकेशन। तो आपको इसी हिसाब से याद रखना है कि भाई कॉन्सेप्ट वाइज ही कि भाई वाटर के अंदर है तो रूट जो इतनी डेवलप नहीं होती है, इसके साथ ही साथ कंप्लीट वाटर सरफेस होती है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है। थर्ड जो है रूट कैप की जगह रूट पॉकेट प्रेजेंट होता है। और एक जूसिया रेपेंस का एग्जांपल याद रख सकते हैं, जिसमें दो तरह की रूट होती है, एक तो फ्लोटिंग रूट है, एक एडवेंटियस रूट है। फ्लोटिंग जो होती है स्पॉन्जी रूट होती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक है एंड फ्लोट में हेल्प करती है, मतलब प्लांट को फ्लोटिंग में हेल्प करेगी, राइट। अब है नेक्स्ट स्टेम पार्ट। अब इसमें भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि वाटर के अंदर है, समर्ज प्लांट है या फ्लोटिंग जो भी है, वाटर के अंदर है तो वाटर आप देखा कितनी तेज धाराएं चलती है। अगर उसमें स्टेम जो है वो अगर हार्ड हो, ठीक है, तो प्लांट क्या हो सकता है, टूट सकता है, मतलब स्टेम पार्ट जो है वो टूट सकता है। तो ऐसे केस में स्टेम जो होता है वो सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, ईजीली जो होता है इस तरीके से मूव कर लेता है, ठीक है, वाटर की सरफेस के साथ में, टूटता नहीं है, डेलिकेट होता है, ठीक है, ताकि आसानी से मूव कर सके वाटर की जो वेव्स होती है उसके साथ में। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखने की, स्टेम जो होता है डेलिकेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें स्टेम के बारे में ये है कि इसका स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है कलर में, ठीक है। तो स्टेम जो होता है वो ग्रीन होता है क्योंकि प्लांट के अंदर है, मतलब सरफेस के अंदर है। तो इसी केस में लीफ वगैरह भी क्या, अगर अंदर की तरफ है तो डाई लीफ जो होती है काफ़ी कटी फटी होती है, तो स्टेम जो होता है वो भी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। या इस वजह से जो स्टेम जो होता है इनका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो डेलिकेट है एंड ग्रीन इन कलर, डेलिकेट का मतलब है कि काफ़ी मतलब मुलायम टाइप का तना होता है। मॉडिफाइड इनटू राइजोम, मोस्ट ऑफ जो हाइड्रोफाइट होते हैं, क्योंकि जैसे कि बताया मैंने आपको रूट्स वगैरह है तो एब्जॉर्प्शन की जरूरत है नहीं, तो साथ ही साथ स्टेम जो रू स्टेम पार्ट होता है वो भी राइजोम में मॉडिफाइड हो जाता है। स्टेम के केस में आपको दो तीन पॉइंट याद रखने। फर्स्ट, इनका जो स्टेम होता है हाइड्रोफाइट का वो किस तरह का होगा, डेलिकेट होगा, ग्रीन होगा, एंड कुछ ज़्यादातर जो हाइड्रोफाइट होते हैं उनके अंदर जो स्टेम होता है वो किस में मॉडिफाइड हो जाता है, राइजोम में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीफ, ठीक है। लीफ में भी देखिए आपको लॉजिक जो याद रखना है वो लॉजिक बस दिमाग में यही रखना है कि दो कंडीशन हो सकती है, या तो प्लांट जो है वो नीचे होगा एकदम समर्ज्ड होगा, या फ्लोटिंग होगा या एरियल पार्ट होगा। अगर प्लांट पूरी तरीके से अंदर है, पानी के अंदर है, समर्ज्ड है, तो उसमें अगर लीफ बड़ी हो काफ़ी, जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ी तो नहीं, इतना तो मैं नहीं इमेजिन करना, बट हाँ लीफ जो है नॉर्मल जैसे कि बड़ी होती है, अगर उस साइज की है
तो आप देखेंगे कि वाटर के साथ में उस पर प्रेशर पड़ेगा प्लांट पे, ठीक है। तो बार बार प्लांट को प्रेशर गेन करना, प्रेशर का जो है सामना करना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में प्लांट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ऐसे केस में ज़्यादा सुटेबल प्लांट के लिए ये होता है कि उसकी जो लीफ हो वो रिबन शेप में हो, ठीक है, पतली हो, जैसे कि यहाँ लिखा है रिबन शेप में, या लीनियर हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पानी के साथ में इजीली जो है फ्लो हो जाएगा, उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो अगर प्लांट समर्ज्ड है, ठीक है, और प्लांट समर्ज्ड है और जो लीफ जो है प्लांट, अगर लीफ जो है वाटर के नीचे की तरफ डेवलप हो रही है, वाटर सरफेस के नीचे की तरफ प्लांट है और लीफ डेवलप हो रही है, तो उस केस में ज़्यादातर एडप्टेशन ये बताता है कि लीफ जो हो लीनियर हो, ठीक है, ताकि उस पर प्रेशर कम पड़े। जैसे कि ये आप लॉजिक लगा ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर वाटर की सरफेस पे है, ठीक है, अब वाटर की सरफेस पे है तो उसमें अगर लीनियर लीफ हो तो प्लांट को फ्लोटिंग में तो हेल्प कर नहीं पाएगी लीनियर लीफ, क्योंकि लीनियर लीफ तो इजीली अंदर आ जाएगी। उस केस में आपको कैसी लीफ चाहिए, जो कि बड़ी हो, ठीक है, और पतली हो, भारी ना हो ज़्यादा, नहीं तो वैसे ही डूब जाएगी, पतली हो, बड़ी हो, ठीक है, लार्ज साइज की हो, एंटायर हो, कटी फटी ना हो, ठीक है। तो इस तरह की लीफ जो होगी वो सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर फ्लोटिंग प्लांट है तो उसकी लीफ का बड़ा होना ज़्यादा फेवरेबल करता है बजाय रिबन शेप के या लीनियर शेप के, ठीक है। तो इसी वजह से जो प्लांट जो होते हैं उसमें आप देखिए, अगर प्लांट सबमर्ज्ड है तो जो लीफ होगी वो डाइसेक्टेड होगी, मतलब कटी फटी लीफ होगी, ठीक है। और अगर प्लांट फ्लोटिंग प्लांट है तो उसकी जो लीफ होगी वो कैसी होगी, बड़ी होगी, एंटायर होगी, कटी फटी नहीं होगी, पूरी सरफेस जो है वो एंटायर होगी पूरी तरीके से, ग्रीन होगी कलर में, थिन होगी एंड स्मूथ होगी, ठीक है। तो ये जो है फीचर्स जो है आपको फ्लोटिंग जो लीफ होगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो पॉइंट है, एक साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लीफ जो होती है उनके सरफेस पे आपको वैक्स की लेयर मिलेगी, ठीक है, मतलब जो लीफ होगी उस पे वैक्स की लेयर मिलेगी। वैक्स की लेयर क्या काम करेगी, जो वाटर है उससे लीफ को डिग्रेड होने से बचाती है, ठीक है। तो जो वैक्स की लेयर भी इन पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अब हम देखते हैं एक यहाँ टर्म है हेटेरोफिली। हेटेरोफिलिल जो है उसका मीनिंग है, हेटेरोफिलिल का मीनिंग है कि एक जो प्लांट है उसमें डिफरेंट लीफ है, मतलब कुछ तो अलग तरह की है कुछ अलग तरह की है। अगर इस तरह की कंडीशन आपको प्लांट के अंदर देखने को मिले कि एक ही प्लांट में टू डिफरेंट टाइप की लीफ है, तो उस उस जो फीचर होगा उस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा, हेटेरोफिली, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट लीव्स इन ए सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट में डिफरेंट लीव जो है अगर आपको देखने को मिल रही है तो उसे कहा जाता है हेटेरोफिल, ठीक है। फोटो के अंदर आप देखिए सेजिटेरिया का एग्जांपल हम देखते हैं, सेजिटेरिया के अंदर जो कि वाटर की सरफेस पे है लीफ, वो तो कैसी है, सेजिटेट शेप में, एरो शेप में, बट जो वाटर की सरफेस से नीचे की तरफ जो लीफ डेवलप हुई है वो रिबन शेप में, लीनियर शेप जिसे हम कह सकते हैं, लीनियर शेप की जो है डाइसेक्टेड है, कटी फटी है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की जो लीफ आपको देखने को मिलेगी। एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं, जैसे लिम्नोफिला है, लिम्नोफिला का आप एग्जांपल देखिए, जो ऊपर की तरफ वाटर की सरफेस पे जो लीफ है वो तो क्या है, मतलब कंप्लीट है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, फुली डेवलप्ड होगी, एंटायर होगी, लार्ज होगी, थिन होगी, इस तरह के जो जो आपको देखने को मिल रही है। और जो पानी के अंदर की तरफ है वो कैसी है, कटी फटी है, डाइसेक्टेड, जैसे कि आप देख रहे हैं, कटी फटी होगी, डाइसेक्टेड होगी, इस तरह की लीफ जो है वो देखने को मिलेगी। तो सेजिटेरिया और लिम्नोफिला, इन दोनों के एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। ट्राइकोप्स एनाटॉमिकल एडप्टेशन का मीनिंग जो हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेज हुए हैं जो कि प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे, इस तरह के चेंजेज होंगे एनाटॉमिकल एडप्टेशन में हम स्टडी करेंगे। अब देखते हैं एनाटॉमिकल में कि यहाँ फोर पॉइंट के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं एनाटॉमिकल एडप्टेशन को, कि रिडक्शन इन प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी प्लांट को उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। एरेशन स्ट्रक्चर, प्लांट के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बनेगी जो कि क्या करेगी, एयर को स्टोर करती है या जो एरेशन में हेल्प करेगी प्लांट को ऑक्सीजन मिल सके, CO2 जो है उसका सर्कुलेशन हो सके, इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होती हुई मिलेगी प्लांट के अंदर। रिडक्शन इन मैकेनिकल टिश्यू, जैसे कि प्लांट अगर ग्राउंड में होता है तो उसे काफ़ी एयर का सामना करना पड़ता है, मूव करता है, तो वहाँ पर मैकेनिकल टिश्यू डेवलप होते हैं, बट
वाटर में आपने देखा कि वाटर के अंदर है और फ्लोट भी कर वाटर के अंदर है तो क्या इजीली मूव करते हैं, या सरफेस पे हैं तो फ्लोट करते हैं, तो उस कंडीशन में मैकेनिकल टिश्यू की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो रिडक्शन इन मैकेनिकल टिश्यू भी आपको देखने को मिलेगा। एंड रिडक्शन इन द कंडक्टिंग जो कंडक्टिव टिश्यू होता है वो, जैसे कि जाइलम फ्लोएम है, इनमें भी आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि वाटर पूरा का प्लांट जो है वाटर के अंदर है, तो इस केस में वाटर जो है इजीली जो मिल जाता है, तो जो कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो भी आपको कम डेवलप मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, स्टेप टू स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि रिडक्शन इन प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर। प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें तो प्लांट के अंदर प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पे जैसे कि क्यूटिकल की लेयर होती है, एपिडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होती है, ये जो क्या करती है प्रोटेक्शन का काम करती है प्लांट के लिए। ओके, तो क्यूटिकल देखिए, क्यूटिकल की कंडीशन आपको अलग अलग मिलेगी। अगर प्लांट समर्ज्ड है तो अलग मिलेगी, फ्लोटा है तो अलग मिलेगी, और अगर एरियल है तो अलग मिलेगी। ये देखिए दिमाग में आप लेकर ही चलिए, इस तरह की आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर प्लांट सबमर्ज्ड है तो उसमें क्या हो सकता है, अगर प्लांट फ्लोट कर रहा है तो उसमें क्या हो सकता है, अगर प्लांट एरियल कर रहा है तो क्या होगा, क्योंकि एरियल पार्ट जो होता है उसका जो जो एम्फीबियस प्लांट होते हैं उसमें जो पार्ट पानी के अंदर होता है तो उसमें प्लांट के अकॉर्ड वाटर के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोफिटिक एडेप्टेशन होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और जो पार्ट एरियल होता है जो हवा में होता है उसमें मीजोफाइट के अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। तो आपको यही देखना है कि प्लांट पार्ट है कहाँ, उसके अकॉर्डिंग उसमें अडेप्टेशन देखने को मिलेंगे। ओके, तो जब आप ये समझ जाते हो तो आप ये भी समझ सकते हैं कि क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो क्या काम करती है, वाटर को प्रोटेक्ट करने का। तो समर्ज प्लांट है तो वाटर तो ऑलरेडी इतना ही है, तो वाटर लॉस से इन्हें क्या चिंता। तो ऐसे केस में अगर प्लांट समर्ज्ड है तो उसमें क्यूटिकल जो है वो आपको क्या मिलेगी, अब्सेंट। अगर क्यूटिकल है और समर्ज प्लांट है तो क्यूटिकल जो होगी वो कैसी होगी, अब्सेंट होगी, क्योंकि प्लांट को कोई चिंता नहीं है वाटर लॉस की। ओके, अगर फ्लोट कर रहा है, अगर प्लांट फ्लोट कर रहा है तो वो एयर के संपर्क में आ गया, आउटर इन्वायरमेंट में आ गया, तो अब तो यहाँ तो क्या है वाटर लॉस हो सकता है, तो क्यूटिकल जो होगी वो होगी, बट कैसी होगी, थिन लेयर होगी। यही केस जो है वो आपको एरियल में मिलेगा। अगर एरियल पार्ट है जो कि उसमें मेजोफिटिक एडेप्टेशन मिलेंगे तो वहां पर क्यूटिकल आपको थिन भी मिल सकती है, मोटी भी मिल सकती है, कंडीशन अलग अलग हो सकती है। बट हाँ, समर्ज में क्यूटिकल अब्सेंट होती है और जो एरियल पार्ट होता है फ्लोट कर रहा है या एरियल है उसमें आपको क्यूटिकल जो है वो पतली देखने को मिलेगी, ठीक है, थिन लेयर। अब जो है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर समर्ज्ड है तो उसमें अलग होगा, तो ये तो अडेप्टेशन जो है आपको लॉजिक लगाना ही है। तो एपिडर्मिस भी क्या होगा, जैसे कि अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एपिडर्मिस क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है प्लांट को, बट यहाँ हाइड्रोफाइट की पूरी प्लांट सरफेस, प्लांट बॉडी की कंप्लीट सरफेस ही क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो वो किसके थ्रू होगा, एपिडर्मिस के थ्रू ही होगा। अगर एपिडर्मिस यहाँ प्रोटेक्ट करती तो वाटर नहीं आ पाता। तो ऐसे केस में यहाँ पर एपिडर्मिस जो है प्रोटेक्टिंग लेयर के तौर पे काम ना करके एब्जॉर्बिंग लेयर के तौर पे काम करती है। और कुछ एपिडर्मिस के अंदर तो आपको क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा, तो वो क्या होगा, एकदम ग्रीन होती है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की रिच अमाउंट में होगा तो ग्रीन स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगी। तो एपिडर्मिस है नॉट प्रोटेक्टिंग होगी, यहाँ पर एब्जॉर्बिंग होगी एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ग्रीन दिखाई देगी एकदम एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस भी जो है प्रोटेक्टिंग लेयर के तौर पर काम करती है, बट यहाँ प्रोटेक्शन की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, पुअरली डेवलप्ड है और थिन वॉल्ड सेल होगी, पतली भित्ती वाली कोशिकाएं ये होगी। नेक्स्ट है हमारे पास में है एरेशन स्ट्रक्चर। एरेशन स्ट्रक्चर जो है एक तरीके से प्लांट की हेल्प करती है कि पानी के अंदर है तो उसे एक जो गैसेज हैं वो इजीली मिल सके, यही इसका अडेप्टेशन का पर्पस है। तो दो तरह की स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगी, एक तो है स्टोमेटा, एक है एरेनकाइमा, ठीक है। स्टोमेटा जो है स्टोमेटा क्या होते हैं, गैसेज एक्सचेंज में काम करते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो स्टोमेटा है उसकी कंडीशन कैसी हो सकती है, आप एक मिनट के लिए सोचिए। अगर प्लांट समर्ज्ड है तो स्टोमेटा, तो अगर प्लांट समर्ज्ड है तो वहाँ पर अगर स्टोमेटा होंगे तो वो पानी से तो बंद हो जाएंगे, तो ऐसे केस में वहाँ पर स्टोमेटा जो है वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में जो प्लांट समर्ज्ड होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा अब्सेंट होते हैं,
ठीक है, तो वहां पर गैसेस कौन कैसे जाएगी प्लांट के अंदर? प्लांट के अंदर जो है कम जो उसकी प्लांट सरफेस होगी उसी के थ्रू जो है गैसेस जो है जो प्लांट के अंदर जाएगी और जो प्रोसेस होती है उसी के थ्रू, तो गैसेस जो होती है प्लांट सरफेस प्लांट के अंदर जाएगी जो प्लांट की सरफेस है उसी के थ्रू, ठीक है। वहीं जो प्लांट अगर सरफेस पे है, ठीक है, फ्लोटिंग है, तो उस केस में स्टोमेटा, उस केस के अंदर अगर प्लांट फ्लोटिंग है तो उसमें स्टोमेटा वाटर की जो लीफ की जो अपर एपिडर्मिस है उस पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ना कि लोअर पे। तो जो फ्लोटिंग जो प्लांट होते हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट होते हैं, उनकी अपर एपिडर्मिस पे आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर एम्फीबियस में देखेंगे तो उसमें स्टोमेटा आपको इजीली मिल जाएंगे और ज़्यादा अमाउंट में भी मिल जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा नंबर में भी मिलेंगे। तो ये आपको अपने हिसाब से लॉजिक लगा के हम देख सकते हैं कि भी किस में स्टोमेटा होंगे किस में नहीं होंगे। तो वॉट अगर समर्ज है तो वो स्टोमेटा अब्सेंट होंगे, अगर फ्लोटिंग है तो अपर एपिडर्मिस पे होंगे, और अगर एम्फीबियस प्लांट है तो एम्फीबियस कंडीशन में स्टोमेटा जो एरियल पार्ट के अंदर स्टोमेटा आपको देखने को मिल जाएंगे इजीली और ज़्यादा नंबर में भी, ठीक है। ये तो है अपना इसके साथ में। अब है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या होता है? एरेनकाइमा एक्चुअली पेरेनकाइमेटस टिश्यू ही है जो कि क्या करती है, गैसेस को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। तो थिन वॉल्ड होती है और गैस को स्टोर करती है, इस तरह के पेरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहा जाता है, ठीक है। एरेनकाइमा जो होती है वो गैसेस को स्टोर करेगी, इसमें आपको CO2 और ऑक्सीजन दोनों ही मिल सकती है। CO2 जो है फोटोसिंथेसिस में वर्क करेगी और ऑक्सीजन जो होती है वो प्लांट की हेल्प करेगी, ठीक है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। तो दोनों ही केस में क्या है, CO2 और ऑक्सीजन दोनों ही प्रोवाइड हो जाएगी प्लांट को, ठीक है, इन गैसेज में, जो गैसेज चैम्बर है जिन्हें क्या कहा जाता है, एरेनकाइमा। तो प्लांट के अंदर एरेनकाइमा जो हाइड्रोफिटिक प्लांट होंगे उनमें आपको एरेनकाइमा बहुत ज़्यादा डेवलप कंडीशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट के केस में एरेनकाइमा का स्पेशल इंपॉर्टेंस हो गया, जैसा कि आप देख ही रहे हैं गैसेस प्रोवाइड करने में, साथ ही साथ प्लांट को फ्लोटिंग बनाने में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि एरेनकाइमा ज़्यादा होगा तो प्लांट को फ्लोट करने में, जो प्लांट पार्ट है उन्हें फ्लोट करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है, हल्का बनाता है। तो इस तरीके से एरेशन स्ट्रक्चर जो है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, स्टोमेटा एंड एरेनकाइमा। नेक्स्ट है रिडक्शन इन मैकेनिकल टिश्यू। रिडक्शन इन मैकेनिकल टिश्यू की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल टिश्यू का मतलब जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता हो, ठीक है। तो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जैसे कि रूट भी होती है, ठीक है, जो कि प्लांट को क्या करती है, स्टेबल करती है। तो हाइड्रोफाइट के केस में अगर फ्री है तो रूट की वैसी रिक्वायरमेंट, रूट डेवलप नहीं होती है, और अगर जैसे कि क्या हो चुका है ये रूटेड है, मतलब फिक्स है, तो उस केस में रूट डेवलप होती है। तो रूट जो होती है यहाँ पर पुअरली डेवलप्ड होती है, मैकेनिकल टिश्यू के तौर पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा इसके हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके अंदर स्केलेनकाइमेटस सेल्स अब्सेंट होती है, ठीक है, स्केलेनकाइमेटस जो टिश्यूज होंगे वो आपको अब्सेंट मिलेंगे। नेक्स्ट जो है एक एग्जाम्पल है जैसे कि निम्फिया है। निम्फिया जो आप देखेंगे तो निम्फिया के अंदर आप स्ट्रक्चर देखिए, निम्फिया की जो होगी स्ट्रक्चर उसके अंदर आपको एस्टेरॉइड्स जो एस्टेरो स्केलेरेट जो है वो देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर। एस्टेरो स्केलेरेट का मीनिंग जो है ऐसी लिग्निफाइड सेल्स से है जो कि क्या होती है, स्टार शेप होती है, ठीक है। एस्टेरो स्केलेरेट का जो मीनिंग है वो है कि स्टार शेप्ड लिग्निफाइड सेल्स, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगी और ये जो होती है निम्फिया को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम देख सकते हैं निम्फिया जिसके अंदर क्या है, एस्टेरोस्केलेरिड है जो कि स्टार शेप्ड लिग्निफाइड सेल्स है जो कि क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ सेकेंडरी ग्रोथ, तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है जो कि थिकनिंग प्रोवाइड करे वो आपको अब्सेंट मिलेगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन थिकनेस अब्सेंट जो है आपको मिलेगी, सेकेंडरी ग्रोथ जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड फाइनली जो है वो रिडक्शन इन अपना जो कंडक्टिंग टिश्यू है, तो कंडक्टिंग टिश्यू के अंदर हम देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम है। तो जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, तो इस केस में जाइलम जो है वो फ्लोएम के कंपेरिजन में आपको ज़्यादा कम विकसित मिलेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा जिसका हास हुआ है, जो ज़्यादा कम जो कि सब लिस्ट डेवलप्ड होता है वो कौन होता है, जाइलम।
फ्लोएम की तुलना में, क्योंकि फ्लोएम तो न्यूट्रिएंट अगर आप प्रोवाइड करता है तो ये तो वाटर प्लांट के लिए, हाइड्रोफाइट के लिए जरूरी है, तो फ्लोएम तो डेवलप ही मिलेगा। फ्लोएम के अंदर पेरेन्काइमा भी वेल डेवलप्ड होता है, बट जाइलम के अंदर आपको जो है डेवलपमेंट कम देखने को मिलेगा, या कई कंडीशन में तो ये बहुत कम विकसित होता है, तो वहाँ पर एक लेक्यूना बन जाती है जो कि आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकती है। जाइलम लेक्यूना जिसे कहा जाता है वो भी डेवलप हो जाती है, और अगर नहीं जाइलम लेक्यूना भी नहीं है तो ट्रैकिड मिलेगी, और ट्रैकिड भी जो होगी वो कम डेवलप्ड होगी। तो ओवरऑल नट सेल में आप ये कह सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू के अंदर आपको रिडक्शन मिलेगा, जिसमें जाइलम में रिडक्शन ज़्यादा है कंपेरिजन फ्लोएम के। जाइलम आपको ज़्यादा रिड्यूस्ड कंडीशन में मिलेगा इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट, साथ ही साथ जो एंडोडर्मिस है वो भी क्लियरली डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। हाइड्रोफाइट के अंदर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन मतलब प्लांट के अंदर एक्टिविटीज़ जिसके अंदर आपको अडेप्टेशन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉइंट्स का, ठीक है, इसके बाद में हम स्टडी करते हैं कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। जैसे कि प्लांट जो होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आप जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा रोल है प्लांट के जो वाटर एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको दोनों ही कंडीशन देखने को मिलेगी कि वाटर एब्जॉर्ब करने की भी ज़्यादा इतनी वाटर की शॉर्टेज नहीं है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा चेंज देखने को मिले, और ऐसी भी नहीं चाहिए कि वाटर जो है लॉस हो जाए। तो इस केस में जो वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है सेल्स की, हाइड्रोफिटिक प्लांट की जो सेल्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगी वो कैसी होगी, कम होगी या जो है इक्वल होगी, जो बाहर का जो वाटर है उसके इक्वल ही आपको देखने को मिलेगी। इससे जो है एक्सेस एंट्री ऑफ वाटर जो है उससे भी प्लांट बच सकता है, ठीक है। अगर ऑस्मोटिक प्रेस जो कंसंट्रेशन है वो अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो भी वाटर अंदर आ जाएगा, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही चेंजेस जो है हमें नहीं चाहिए, तो इक्वल कंडीशन जो है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की वो फेवरेबल है। तो यहाँ पर जो है लो और इक्वल जो है, लो भी क्या होगी बहुत कम है ज़्यादा नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि इक्वल जो कंसंट्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ताकि वाटर के लॉस को भी बचा जा सके और वाटर की एक्सेस अमाउंट अंदर आने से भी बचा जा सके। नेक्स्ट है स्टेम एंड लीफ। जैसे कि मैंने बताया था स्टेम के एपिडर्मिस जो सेल्स होगी, एपिडर्मिस जो सेल्स होती है एपिडर्मल सेल्स होती है वो भी क्या होती है फोटोसिंथेटिक होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोफाइट के स्टेम और लीफ दोनों ही क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कंप्लीट प्लांट सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। साथ ही साथ गैसेस जो होती है, जैसे कि मैंने बताया था अगर सबमर्ज्ड है तो गैसेस भी क्या होगी कंप्लीट जो सरफेस है प्लांट सरफेस उससे जो है एब्जॉर्ब होगे, ठीक है। एब्जॉर्ब होके गैसेस जो है वो कहाँ रहेगी, पेरेन्काइमा में, जिसमें CO2 और O2 होती है। CO2 फोटोसिंथेसिस में काम आ जाएगी, ऑक्सीजन जो है प्लांट रिक्वायर हो गया तो यूज कर लेगा, ठीक है। ट्रांसपीरेशन जो है भाई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है आसपास भी मिल जाती है तो प्लांट वहाँ से भी यूज कर लेता है, और अगर नहीं मिल पा रही है तो स्टोर जो की हुई है उससे प्लांट यूज कर सकता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन जो है अगर सबमर्ज्ड प्लांट है तो ट्रांसपीरेशन जो होगा वो नहीं होगा, अगर हाइड्रोफाइट अगर सबमर्ज्ड है तो उसमें ट्रांसपीरेशन नहीं होगा क्योंकि प्लांट अंदर है, कंप्लीट सरफेस जो है प्लांट के जो है अंदर है तो वहाँ पर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। हाँ, अगर प्लांट फ्लोटिंग है सरफेस पे है और एरियल है एम्फीबियस कंडीशन में है तो वहाँ पर ट्रांसपीरेशन जो होगा वो एक्सेसिव होगा, सबमर्ज्ड है तो अब्सेंट और फ्लोटिंग और एम्फीबियस है तो एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाइड्रोफाइट होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड फाइनली पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल जो है ऑफ फ्रूट्स वो वाटर के थ्रू होते हैं, फ्रूट जो है वाटर पे गिर जाएंगे और वाटर के थ्रू जो है मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो वाटर के थ्रू ही क्या होता है हाइड्रोफाइट के अंदर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल जो होता है वो वाटर के थ्रू होता है। तो इसके साथ में जो हाइड्रोफाइट जो है वो अपना कंप्लीट होता है। इसके साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ में अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें।